गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार, हिस्टोरिका इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में, और आप देख रहे पवित्र पावनी गंगा माँ किस तरह से प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे कितना स्वच्छ जल है। आदमी इसका जल पी भी सकता है। उसके पीछे जंगल, जंगल में देखिए साल के वृक्ष और पर्वत, और इस कितने विहंगम और सुंदर दृश्य आपको अपलोकित किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। अभी हम घाट की ओर आपको दिखाएंगे। ये त्रिवेणी घाट है, देखिए श्री स्वामी नारायण मंदिर जी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ भंडारा वगैरह होता रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी सुबह का लगभग 6 बजा है, तो इसलिए अभी पर्यटकों की संख्या अभी कम है, इसलिए अभी घाट थोड़ा खाली दिख रहा है। जैसे ही धूप हल्की होगी तो यहाँ स्नान करने वालों का तांता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो पानी है बहुत ही स्वच्छ इंसाफ है। ये देखिए बहुत ही स्वच्छ है इंसाफ, इस पानी को आप पी भी सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत विहंगम सा दृश्य, पर्वत से घिरे हुए माँ गंगा। और ये देखिए जो रास्ता है, यही रास्ता है आगे इसके उद्गम स्थल गंगोत्री की तरफ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि बेहतरीन दृश्य। और आप जानते हैं कि माँ गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के गंगा सागर में के रास्ते हो के वो बे और बंगाल में मिल जाती है। और जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है उसमें इंडस्ट्रियल गंदगी के पॉल्यूशन के कारण गंदगी आती रहती है। लेकिन आप यहाँ देखिए ऋषिकेश में पर्वतों के चीरते हुए निकलती हुई माँ गंगा, स्वच्छ निर्मल साफ माँ गंगा का आप दर्शन कर आप कर सकते हैं। हमारे माध्यम से जो भी लोग नैनीताल कभी नहीं आए हैं वो हमारे माध्यम से नैनीताल का दर्शन कर सकते हैं। और खूबसूरत नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए लोग पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। बेहद खूबसूरत सा आँखों को संतुष्टि प्रदान करने वाला दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और देखिए दूर दूर तक माँ गंगा श्री तसलित प्रति तो पावनी माँ गंगा। और ऐसा कहा गया है कि गंगा दर्शन ही गंगा मुक्ति है, गंगा स्नान ही पापों से मुक्ति है। जैसा हमारी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ चरिता यदि आप यहाँ स्नान करेंगे तो बेहद आपको ठंडा मतलब असीम लगता है कि आप जन्नत में आ गए हैं। तो अभी कुछ देर के बाद मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसके कुछ देरों के बाद मैं भी यहाँ स्नान करूँगा। और इसी से आप देख सकते हैं इतनी निर्मल जल, इतना निर्मल जल आपको आपके इसको पान भी कर सकते हैं। बेहद बेहद खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, पहाड़ पर्वत पठार। और ये देखिए घाट पर शिवलिंग, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का को जल अर्पण भी करते हैं और अन्य सारी मनोकामनाएँ अपने अनुसार मांगा करते हैं। और आपको हम इसी तरीके से अपने हिस्टोरिका इंडिया के माध्यम से हिस्ट्री से रिलेटेड और हमारे जो पौराणिक स्थल हैं और बहुत सारी हिस्टोरिकल जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।